नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नाथूसरी कला में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और इसमें जो प्रतिभाशाली युवा हैं, एक नंबर से लेकर के 210 नंबर तक, उन सभी को सम्मानित किया गया है। और आज के इस मैराथन दौड़ की बात करें तो 2474 प्रतिभाशाली युवा बुजुर्गों ने भाग लिया। तो हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो कि इस पूरी मैराथन दौड़ में चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि 70 साल की उम्र में उनका ये कर्तव्य दिखाना, 39 मिनट में वो 10 किलोमीटर की उन्होंने रेस जो है पार की है। नाथूसरी कला से लेकर के शक्कर मंदोरी तक उन्होंने ये 10 किलोमीटर का जो एरिया है ये 39 मिनट में पार किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, चाहे बात हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की हो, पंजाब की हो, दूर दराज के इलाकों से, दूर दराज के जो प्रदेशों से भी युवा साथियों ने भाग लिया है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आकर के उनको कैसा लगा। और ये देख सकते हो, सरदार ये वही सरदार है जिसने 39 मिनट में 10 किलोमीटर का एरिया पार करके एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। क्योंकि इतनी उम्र में एक युवाओं को ये प्रेरणा देता है, अपने आप में ये बहुत ही गर्व की बात है। इस मैराथन दौड़ की अगर बात करें तो, हाँ जी, हम उनको लाइव लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम गुरदीप सिंह है, गांव अकोली। हाँ जी गुरदीप सिंह जी, आप इतने दूर से चल के यहाँ आए हो, कैसा लगा आपको? दूर आने की बात ऐसे है कि ये जुनून है जी, जिसको लग गया वो नहीं हटेगा जी, चाहे दूर कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो जी। तो अभी पिछले दिनों में मैंने वहाँ पर बॉम्बे में अभी मेरी एंट्री हो गई है और वहाँ पर भी मैंने भाग लेना है। पिछले नासिक भी गए थे, वाराणसी भी अभी पिछले महीने जाके आए हैं जी। तो ये तो एक जुनून है, ये चोपटा तो कोई दूर नहीं है ज़्यादा। तो इतनी उम्र में आपने युवाओं को पीछे पछाड़ कर आगे निकल गए, ये सब कैसे संभव हो पाया? क्योंकि लगभग 70 वर्ष की आपकी उम्र है। ये तो पीछे ऐसे है जी, जो तैयारी करेगा वो आगे जाएगा, जो तैयारी नहीं करता वो पीछे रहेगा। चाहे यंग हो तो, चाहे वो किसी कोई भी एज हो जी। तो ये यंग लोग हैं जो ये तैयारी नहीं करते। हम फिटनेस के लिए, अपनी बॉडी को बरकरार रखने के लिए जी डेली दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कितना रोजाना आप पसीना बहाते हो डेली की अगर बात करें? मैं सुबह 2 घंटे दौड़ता जी। मेरा अपना ही पर्सनल ग्राउंड है, जो खेत का ग्राउंड है, वहाँ पर ट्रैफिक कम होती है। तो मैं सुबह 5 बजे अपने जाता हूँ और 2 घंटे मैं अपना दौड़ता हूँ वहाँ पर। ठीक है, फिटनेस है, बहुत बढ़िया है। एक समाजसेवी व्यक्ति के जन्मदिन पर इतना बड़ा आयोजन, हजारों बच्चों का एकत्रित होना, मैराथन दौड़ में भाग लेना, कैसा लग रहा है? ये ऐसे है जी, बेनीवाल के जन्मदिन पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, तो मैंने सोचा कि एक तो बहुत लोकल है, नज़दीक है, तो क्यों ना इसमें भी हिस्सा लिया जाए। और बेनीवाल साहब का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इतना बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जी। जो जितनी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि चलो लोकल है, पर फिर भी इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट और दौड़ने का जो सभी अरेंजमेंट, पानी का अरेंजमेंट, कई बार तो पानी भी नहीं मिलता पीने को यहाँ पर, वो सारी सुविधा थी जो बड़े बड़े प्रोग्रामों में होती है, उससे भी ये बढ़िया थी, बढ़िया खाना था। इससे बेनीवाल जी का धन्यवाद करते हैं कि आगे भी ऐसे करवाते रहें, ताकि ये युवा वर्ग हैं इनको प्रेरणा मिलती रहे और ये नशे से दूर रहें। समाज से भी आदमी दिन दुगनी रात दुगनी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस जैसे महान आदमी जो कि समाज से भी और समाज बच्चों के लिए और समाज के लिए जो एक बहुत बढ़िया प्रेरणा स्रोत है, इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखाया और इसमें हम भी हिस्सा ले पाए। नहीं तो हम चोपटा कभी आए नहीं थे, ये रोड इधर हमारा आना जाना नहीं था, क्योंकि सरसा से होते थे, सरसा से चले जाते थे। तो मैं बेनीवाल साहब जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को इस गांव में लंगर पानी छकना था, वो उनकी कृपा से हुआ। यदि वो ऐसा प्रोग्राम ना देते तो हम कहाँ आ पाते यहाँ पर, और आप जैसे लोगों के दर्शन हो गए, ये एक और भी बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, कहाँ से आ पाए जी? गंगानगर से। अच्छा जी, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? हजारों प्रतिभाशाली युवाओं की दौड़ में आप भी थे, तो आपका किस नंबर पर आपका स्थान रहा? मेरा 231 नंबर पर स्थान था। 231? हाँ जी। अच्छा, मैं लेट भागा था थोड़ा, मैं अच्छा उधर था तो मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, कैसा लगा यहाँ आकर? बढ़िया लगा, यहाँ पे सुविधा सब बढ़िया।
अच्छा। और जैसे कि अपने कंपटीशन होते हैं उनमें हमने पार्टिसिपेट करना चाहिए सभी। एक समाजसेवी व्यक्ति के जन्मदिन पर इतना बड़ा कार्यक्रम, क्या कुछ कहना चाहूँ? बहुत बढ़िया लगा यहाँ आकर के, दौड़ लगाई, सब कुछ, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ खाना पीना रहने की व्यवस्था भी बढ़िया थी। यहाँ पे जो बच्चे एक दिन पहले आए थे, दूर दूर से आए थे, मैं भी गंगानगर से आया हूँ, तो सब चीज़ की व्यवस्था बढ़िया रखी थी और दौड़ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिली। एम्बुलेंस थी, किसी को कुछ हो जाए इसलिए एम्बुलेंस भी थी, पानी भी टाइम टू टाइम मिल रहा था, हर 100-200 मीटर पर पानी भी दिया जा रहा था, तो बढ़िया लगा। आप कहाँ से हो जी? मैं सर से हूँ। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे बढ़िया यहाँ की मैनेजमेंट है वो लगी मेरे को जी। इतने जो खिलाड़ी आए हैं दौड़ने के लिए, इतने लड़कों को संभालना सबसे मुश्किल होता है। जो भी यहाँ पे दो गांव आए थे बीच में मैराथन में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा इतना शौक किया, जो व्यवस्था थी खूब तरीके से इन्होंने जो इनका कार्य था वो निभाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बेनीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो ये थे हमारे साथ तमाम साथी जो दूर दराज के इलाकों से आए हैं। हमने अबोली के इस युवा बुजुर्ग, मैं इनको कहूंगा कि इन्होंने सभी का दिल जीत लिया। हजारों लोगों की भीड़ में ये एक ऐसा शख्स था जिन्होंने सभी का, मैं कहूंगा कि दिल जीतने का काम किया। और इससे एक जो नई जनरेशन है, युवा वर्ग है, उनमें भी नई एक प्रेरणा स्रोत बन के ये उभरे हैं, क्योंकि युवाओं को इन्होंने प्रेरणा दी है कि इस उम्र में भी जो है आप किसी से कम नहीं हो। और मैं तो इनको इतना ही कहूंगा कि आप बुजुर्ग नहीं हो, आप युवा हो, आपने जो एक नई जो कीर्तिमान हासिल किया है, हम इनको साधुवाद देते हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं। और इन सभी साथियों ने कहा कि जो यहाँ की मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट वास्तव में बहुत अच्छी थी, हमको चाहे पानी की बात हो, हर प्रकार से सुविधाएं जो है मिल पा रही थी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चाहे हम बात एम्बुलेंस की करें या पुलिस कर्मी की करें, किसी भी इस बड़े कार्यक्रम में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और नाथुसरी कला में पीछे भी प्रोग्राम होते रहे हैं और ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि प्रमुख समाजसेवी कैप्टन मीनू बेनीवाल के जन्मदिन पर आयोजित हुआ और हजारों बच्चों ने, टोटल 2474 बच्चों ने भाग लिया, जो कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से इसमें भाग लिया। और सबसे बड़ी बात, दूसरे जो राज्यों के लोग थे, युवा थे, उन्होंने बाजी मारी है। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा।